लेकर आए हैं अब तक की कुछ ऐसी गिनी चुनी हुई चीजें जिसे आज आप पहली बार देखेंगे और उसके बारे में फर्स्ट टाइम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के एपिसोड। नंबर वन, बेरिएसा स्पेलवे। दोस्तों जरा इस वीडियो को देखिए, आपको क्या लगता है ये क्या कोई कुआं है जिसमें पानी नीचे गिरा जा रहा है या फिर ये दुनिया का है आठवां अजूबा? चलिए हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये एक तरह का वाटर एग्जिट पाइप है। दोस्तों जब भी किसी बांध में पानी का लेवल बहुत बढ़ जाता है उस समय वाटर एग्जिट पाइप के जरिए पानी को बांध से बाहर किया जाता है ताकि बांध को कोई क्षति ना पहुंचे। ये वाटर एग्जिट पाइप बेरिएसा नदी के ऊपर बने बांध पे बना है। जब यहाँ से पानी को बाहर फेंका जाता है तब ये पानी आसपास के खेतों में पहुंच जाती है जिसका इस्तेमाल फसल को सींचने के लिए किया जाता है। ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। नंबर टू, पाइपलाइन ब्लास्टिंग। इस नजारे को देखकर कोई भी घबरा सकता है, किसी को भी डर लग सकता है कि आखिर जमीन के नीचे ये क्या हो रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन कंपनी इस तरह की पाइपलाइन ब्लास्टिंग किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कई बार करती है। दरअसल हमें पता नहीं होता कि कहां की जमीन कितनी सख्त है, ऐसे में कंस्ट्रक्शन कंपनी जमीन के नीचे ब्लास्ट करके वहां की मिट्टी को खोदने का काम करती है। इससे एक तो समय बहुत बच जाता है और दूसरा सख्त मिट्टी को ढीला किया जाता है। लेकिन आई एम श्योर आपने इससे पहले कभी भी इस तरीके का ब्लास्ट नहीं देखा होगा। नंबर थ्री, स्काई स्क्रेपर वॉटरफॉल। दोस्तों चीन है तो सब मुमकिन है। वैसे भी इस देश के लोगों को दुनिया की हर चीज कॉपी करने की आदत सी हो गई है। अब देखिए ना, वॉटरफॉल देखने के लिए लोग कहां से कहां आते हैं। लेकिन अब जरा इसे भी देख लीजिए, यह चीन का आर्टिफिशियल वॉटरफॉल। तकरीबन 121 मीटर ऊंची बिल्डिंग से पानी को नीचे गिराया जा रहा है। यह दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन साथ ही आपको बता दें कि जब वाटर पंप ग्राउंड फ्लोर से पानी को ऊपर खींचता है तो इस प्रोसेस में बहुत बिजली खर्च होती है, तकरीबन 10,000 एक घंटे में। नंबर फोर, सोप बबल। दोस्तों यूरोप में बहुत ठंड होती है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि इस ठंड में भी अगर आप पानी से नहीं डरते तो आप देख सकते हैं एक बेहतरीन नजारा जिसे हम कहते हैं सोप बबल। दोस्तों अगर आप इतने ठंड में बबल बना सकते हैं तो फिर आपको दिखेगी ये खूबसूरत चीज। देखिए कैसे ठंड की वजह से बबल बर्फ बनता जा रहा है और कुछ देर बाद फट जाता है। नंबर फाइव, पेपर स्कल्पचर। दोस्तों देखिए जरा इन मूर्तियों को, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये। आप ये कहेंगे कि भाई इसमें नया क्या है? नया है दोस्तों, बिल्कुल नया है। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये कागजों से बनी है। खुद ही देख लीजिए जरा कैसे कलाकार एक एक पेपर को जोड़कर बना रहे हैं शानदार मूर्तियां। ब्राजील के कलाकार इस तरह की मूर्तियां बनाने के लिए बहुत पॉपुलर हैं। इन मूर्तियों को आप फोल्ड भी कर सकते हैं। नंबर सिक्स, ब्राजीलियन स्किपर कैटरपिलर। दोस्तों देखिए जरा इस जीव को, ये कितने ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। इतने ट्रांसपेरेंट कि आप इनके शरीर के हर अंग को देख सकते हैं, यहां तक कि एक एक वेन भी आपको नजर आती है। ब्राजीलियन स्किपर कैटरपिलर जब सांस लेती है तो आपको साफ नजर आता है। धीरे धीरे जब यही ब्राजीलियन स्किपर कैटरपिलर बड़ी होती हैं तो एक तितली का आकार ले लेती हैं। नंबर सेवन, रॉकिन थाउजेंड। अगर आपने कभी म्यूजिक कॉन्सर्ट को नजदीक से देखा होगा तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज में समय लगता है तो वो होता है म्यूजिशियन के बीच म्यूजिक प्ले करते समय आपसी तालमेल बनाना। ये बहुत मेहनत का काम है और ये सबसे महत्वपूर्ण भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इटली के म्यूजिशियंस ने अपने एक शो के लिए इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए 300 से ज्यादा म्यूजिशियंस के साथ काम किया? जी हाँ दोस्तों, गिटार पे 300 गिटारिस्ट थे, ड्रम पे 200 ड्रमर्स और वायलिन पे 150 वायलिन प्लेयर्स। इतने सारे म्यूजिशियंस के एक साथ आने के बाद भी इस आर्टिस्ट का शो सुपर हिट रहा। ऐसा ना तो दुनिया ने पहले कभी देखा था और न ही किसी ने कोशिश तक की थी। नंबर एट, बार ऑन अ लेक। दोस्तों अगर आपको लगता है कि बार के बारे में कुछ नया जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर बार की एक ही कहानी होती है और हर जगह एक ही तरह की ड्रिंक्स होती है तो आप गलत है, क्योंकि अब हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या आपने इससे पहले कभी सुना था कि कोई बार रिवर के बीचों बीच बना हो? बार ऑन अ लेक इसीलिए सबसे अलग है। ये दुनिया का एकमात्र बार है जो कि बीच नदी में बना हुआ है। यहाँ एक और खासियत है, आपको अपने ड्रिंक में फिश मिलाकर पीनी होगी और साथ ही जिंदा होती है वो मछली। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बार साल में सिर्फ 2-3 हफ्तों के लिए ही खोला जाता है, जब ठंड बहुत तेज होती है और साथ में जब नदी में पूरी तरह से बर्फ जम जाता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।